प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ वकीलों का आंदोलन शुरू। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज की हड़ताल, आंदोलन को और तेज करने पर लिया जाएगा फैसला। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बहाल होने से राहत। 24 फरवरी, 3 मार्च और 10 मार्च को बंद रहेगा हाईवे। संवेदनशील इलाकों में मरम्मत का काम करने का फैसला। एक्सप्रेसवे का काम लोगों के लिए बना मुसीबत। कंपनी पर नियमों को ताक पर रखने का आरोप। सूली पर अटकी वाहन चालकों, राहगीरों की जाने। डोडा में सरेआम उड़ रही नियमों की धज्जियां। फुटपाथों पर अवैध पार्किंग पर प्रशासन हुआ मौन। डीसी कार्यालय के ठीक बाहर टूट रहे नियम कानून। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के आदेश का विरोध कर रही जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। एसोसिएशन के बैनर तले आज वकील हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते जम्मू हाईकोर्ट में आज कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। एसोसिएशन ने बुधवार को ही ऐलान कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को भी विश्वास में लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत बंद की कॉल भी दी जा सकती है। बार एसोसिएशन की आज की हड़ताल और अगली रणनीति पर जो है ज्यादा जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपको बताएं, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो आदेश जो है अब दिए गए हैं, जहां पर जो है अगर जो भी यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और उनकी जो है अलग अलग तरह से दरें जो है वो तय की जाएंगी और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाएगा, लेकिन इसका विरोध जो है यहाँ की जनता जो है वो भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज की जो है अगर बात करते हैं तो जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो आज आंदोलन पर जो है जा चुका है और इसी को लेकर जो है वो आज यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सबसे पहले ये सुनिए। आग लगाना है, नहीं लगाना है, लोगों की राय लो और कितना कितना लगाना है, किसको लगाना है, किस हिसाब से लगाना है, ये सब बातें जो है इन्होंने आर्बिट्रेटरी जो है एक सिस्टम बनाया है वो अच्छा नहीं है। जब लोगों के लिए काम करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, तो लोगों का भरोसा भी जीतना बहुत ज़रूरी होता है और उनको कॉन्फिडेंस में लेने से इनको परहेज भी क्या है, इनको इतना डर क्या है, आखिर कौन सी बात है छुपाने की। अगर कुछ बात सही है और गवर्नमेंट का काम करना है, किसी को इसमें से कोई इनको घाटा पड़ा कुछ पड़ा है, तो वो सब बातें इन लोगों को एक्सप्लेन करनी चाहिए और दिखानी चाहिए और सबसे पहले इनको पूछताछ करके उसके बाद ही एक राय बनाकर ये करना चाहिए था। इन्होंने जो एक तरफा जो बैठे हुए अपने उधर अपने ऑफिस में बैठे हुए ये लगा दिया है, इसलिए ये लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है। ये हमारी यही आईमान थी, ये जब करना ही था कुछ तो लोगों को पूछो तुछो क्या क्राइटेरिया है, क्यों लगा रहे हो आप। इतने अरसे से जम्मू में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चल रही है ना, जब से ये जम्मू चल रहा है तो इससे पहले भी तो डेवलपमेंट होती ही थी, इससे पहले भी तो ये सब सिस्टम चलता था। ऑल ऑफ सडन जो है इन्होंने जो फैसला लिया है ये एक आर्बिट्रेटरी फैसला है और इसको जो है वो प्रॉब्लम पूछना चाहती है कि क्यों लिया है थोड़ा बहुत, इसलिए उसी के प्रोटेस्ट में हमने ये आज बरसस कर। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स आखिर क्यों लगाया जा रहा है, ये सवाल है इन वकीलों का। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त ज्वाइन की हुई हैं। रितिका, जिस तरह से आज जो है प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो है बार एसोसिएशन जो है वो यहां पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहा गया है आखिर इनकी तरफ से? आपको बता देना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है जम्मू कश्मीर में, इसी के खिलाफ हल्ला बोल कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन ने करके और इसी के चलते आज तमाम तरीके के कार्य को पूरे तरीके से स्थगित कर दिया गया है। आज यहां पे जम्मू में बार एसोसिएशन की तरफ से सारे वर्क को सस्पेंड कर दिया गया और साफ शब्दों में ये कहा गया है कि हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में कोई भी कार्य आज नहीं किया जाएगा और विद इन 2-3 डेज अगर ये जो ऑर्डर, ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी पब्लिक के डोमेन में, अगर इस पे विचार नहीं किया गया, अगर नहीं लिया गया, तो जम्मू बंद की कॉल की तमाम बार एसोसिएशन ले सकती है, जिसमें कश्मीर के लोगों का समर्थन भी ये लोग लेंगे और जम्मू के लोगों का समर्थन भी ये लोग लेंगे।
जी चलिए रितिका, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो है बार एसोसिएशन की तरफ से आज जो है यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है ये जो है किया जा रहा है, तमाम जो एडवोकेट्स हैं वो जो है आज काम छोड़ हड़ताल पर जो है जा चुके हैं और यहाँ पर बार बार ये चेतावनी इनकी तरफ से जो है दी जा रही है कि अगर जल्द ही सरकार अपना ये फैसला वापस नहीं लेती है तो उसके बाद जो है और ऐसी रणनीति जो है बनाई जाएगी जिसके बाद और कड़े रुख से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। करीब 50 घंटे बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं सोमवार सुबह शेरबीबी इलाके में पस्सियां गिरने के कारण हाईवे बंद हो गया था, जिससे ना तो जम्मू से श्रीनगर और ना ही श्रीनगर से जम्मू किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई थी। दूसरी ओर हाईवे पर संवेदनशील इलाकों में मरम्मत के काम के लिए इसे अब 3 दिन बंद रखने का फैसला जो है ये लिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे कल यानी 24 फरवरी, 3 मार्च और 10 मार्च को बंद रखा जाएगा और इसी को लेकर जो है आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो है अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मरम्मत के कार्य हैं जो समय समय पर होने चाहिए और इसको लेकर जो है अगर बात करते हैं जो है रामबन में जिस तरह से अब ये कार्य जो है किया जाएगा और डीसी रामबन की तरफ से ये ऑर्डर जो है निकाला गया जिसमें बताया गया कि किस तरह से ट्रैफिक ड्राई डे जो है वो रखा जाएगा और इन दिनों में ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से रोक दी जाएगी, यानी कि ट्रैफिक को मूव करने की इजाजत जो है वो नहीं मिलने वाली है। फिर चाहे वो छोटी गाड़ियां हैं या फिर वो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मूव करने की इजाजत जो है वो नहीं मिलेगी और 3 दिन जो है ये असाइन किए गए हैं जिसमें जो है आपको बता दें कल यानी 24 फरवरी को जो है पहला दिन रहेगा जहां ट्रैफिक ड्राई डे जो है ये रखा जाएगा, यानी कल किसी भी तरह से कोई भी गाड़ी को मूव करने की इजाजत जो है वो नहीं होगी और जो भी मेंटेनेंस वर्क है वो जो है वहां पर किया जाएगा, जो भी मरम्मत के कार्य हैं उन्हें जो है वहां पर पूरा किया जाएगा और इसके बाद 3 मार्च और 10 मार्च को भी ऐसे ही सूरत हाल जो है ये देखने को मिल सकते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ जो है इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आरिफ बताइएगा, जिस तरह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करते हैं तो जहां जो है 50 घंटे बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को जो है बहाल किया गया, लोगों ने जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस जो है ये जरूर ली, लेकिन कल जो है वो अब पूरी तरह से ट्रैफिक जो है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो क्या किस तरह से गाड़ियां जो है वो मूव कर पाएंगी, लोगों को जो परेशानियां होंगी उसके लिए क्या कुछ अल्टरनेटिव जो है वो निकाला गया है? जी बिल्कुल चेतना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से आपने भी कहा कि तकरीबन 40-50 घंटे के बाद जो है जम्मू तो राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है कल दोपहर के बाद खोला गया, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखे तो कल भी जो है ट्रैफिक जाम के बहुत ज्यादा मनाजर जो है वो देखने को मिले जिसमें गाड़ियां जो है वो फंसी रही। हालांकि उसमें कोई एक अल्टरनेट रूट जो है लिंक रूट पर भी जो है गाड़ियां जो है निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी जो है ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। तो कहीं ना कहीं पे पुलिस या ट्रैफिक पुलिस को जो है बड़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ी ट्रैफिक जामिंग को खोलने के हवाले से। और जो शेरबीबी का स्टेज है जहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड थी, वहां पर अगर कहें तो एडिशनल मशीनरी लाने के बाद अगर कौमी शाहरा को जो है बहाल कर दिया गया, लेकिन वहां पे अभी भी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल वन वे है। सबसे पहले अगर ऑफिशियली हम ट्रैफिक प्लान की बात करें तो आज जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है दोनों तरफ से जो है लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की तो इजाजत है और दोपहर के बाद श्रीनगर से जम्मू की और बड़ी गाड़ियों को, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त भी जो है थोड़ा सा काम भी चल रहा है, उसके बाद जो है वहां पे गैप पाए, क्योंकि जब दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है तो एक साइड से जो है गाड़ियों को डिटेन रहना पड़ता है। और अब इसके चलते जो रामबन बनिहाल सेक्टर में कई जगहों पे जो वल्नरेबल एरियाज है जहां पर शूटिंग स्टोन का खतरा लाहक है, तो उसको देखते हुए जो है फिलहाल कल फ्राइडे को जो है ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा, सस्पेंड रहेगा, दोनों तरफ से किसी भी गाड़ी को जो है जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो वर्किंग एजेंसीज है उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन का रुजू किया है तो अब जो ऊपर से जो आदेश आए उसमें दो से तीन फ्राइडे को जो है ड्राई डे जो है वो रखा जाएगा, उसमें ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं रहेगी, जिसके चलते जो है जो कॉम्प्लिकेटेड एरियाज है बनिहाल से रामपुर सेक्शन में उसमें जहां जहां पे खतरा है पैसेंजर्स की सेफ्टी के हवाले से जो है वो इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि वो एरियाज में जो है काम किया जाए, मशीनरी को एडिशनल जो है डिप्लॉय की जाएगी ताकि फ्यूचर में जो है हाईवे पे जो है किसी किस्म की कोई मुसीबत न रहे। लेकिन आज भी अगर बात करें तो आज कौमी शाहरा पे तो ट्रैफिक की आवाजाही चल रही है, मौसम खुशगवार है, तो लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है शेरबीबी के मकाम पे जो सिंगल वे है उससे कहीं ना कहीं पे
ट्रैफिक जामिंग के खतरा जो है आज और जो है वो देखने को, हालांकि ट्रैफिक पुलिस अगर देखे तो बिल्कुल एक हंगामी बुनियादों पे जो है वो भी ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे राहत दूर है। लेकिन कल की डेट में अगर बात करें तो कल से जो है, कल फ्राइडे को जो है कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट जो है जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है किसी भी गाड़ी को जो है वो चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरह से जो है ये सरकारी तौर पे एक आदेश जो है वो जारी किया गया है। जी चलिए आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के हवाले से जो है अगर बात करें तो जिस तरह से जो अपडेट जो है सामने आई, जहां डीसी रामबन की तरफ से जो है ये आदेश जारी किया गया कि 3 दिन यानी कि 24 फरवरी से 10 मार्च के बीच 3 फ्राइडेज को जो है ट्रैफिक ड्राई डे जो है रखा जाएगा, जिस बीच पूरी तरह से ट्रैफिक को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, चाहे फिर वो छोटी गाड़ियां हैं या फिर बड़ी गाड़ियां हैं, उन्हें इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर मूव करने की इजाजत जो है वो नहीं मिलने वाली है। वहीं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के तहत जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ जिले में पल्ली मोड़ में जारी काम लोगों के लिए आफत साबित हो रहा है। ये निर्माण करवा रही कंपनी की कार्यप्रणाली वाहन चालकों व राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। हाईवे के इस हिस्से पर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है, जिससे हमेशा हादसों का अंदेशा बना रहता है। जिस तरह से लगातार जो है अगर बात करते हैं अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो इस पर काम जो है ये जरूर चल रहा है। और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की भी अगर बात करें तो जोरों शोरों से काम जो है यहां पर हो रहा है, लेकिन इस बीच हादसे जो है वो भी दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसी को लेकर जो है लोगों में भी काफी ज्यादा परेशानी है, डर जो है वो भी है। और जो चालक हैं, वाहन चालक या फिर जो राहगीर हैं, उनको उनके लिए जो है ये जो डेवलपमेंटल जो कार्य है वो काफी ज्यादा खतरनाक जो है साबित हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव बताइएगा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे जो है इस पर काम तो जो है ये जोरों शोरों से हो रहा है, लेकिन जिस तरह से इस काम के चलते ये जो सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है या फिर जहां पर रोड जो है टूटे हुए हैं, जिस वजह से हादसे जो है वो काफी ज्यादा हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जो है यहां पर ऐसे मेजर्स लिए गए हैं ताकि हादसे जो है यहां पर ना हो सके? और लोगों की तरफ से भी, क्योंकि अगर ऐसे रास्ते हैं जहां पर इस तरह से काम हो रहा है, वहां पर भी उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी जो स्पीड है गाड़ियों की उसे जो है थोड़ा धीमी कर ले ताकि हादसे जो है वो यहां पर ना हो सके। जितना मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे जम्मू नेशनल हाईवे की 6 लेनी का काम, जो ज्यादातर इलाके की बात, ज्यादातर हाईवे पर ये इकट्ठा चल रहा है, पर ये जो रिक्शे आप आ रहे हैं ये पल्ली मोड़ का अंडर पास बना हुआ है, यहाँ पे ताक पर रखकर जो निर्माण कंपनी है कार्य कर रही है, और बड़ी सुस्त रफ्तार से तशक्कत चाल से ये काम चल रहा है। पिछले 2-2.5 साल से ये काम वहाँ पे शुरू किया गया है। इसका जो है लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कंपनी बिल्कुल भी नियमों की प्रवाह किए बिना ही यहाँ पे काम कर रही है। आपने तस्वीरों में देखा किस तरह बिना जो इनके पत्थर है, कोई यूनिफॉर्म के बिना ही, कोई सेफ्टी की हेलमेट भी नहीं लगाया, ना कोई जैकेट पहना है, ना बूट पहने हैं उन्होंने, चप्पलों में काम कर रहे हैं। और हाईवे के किनारे जो नीचे जो ट्रैक चल रहा है जो बाई लेन पे, वहां पे ऊपर अगर कोई कुछ गिरता है, अगर किसी जान जाती है, तो कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है। कंपनी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनके जो साइट इंजीनियर थे उनको उन्होंने माना कि ना तो उन्हें कंपनी की तरफ से कुछ सुरक्षा उपकरण जो है प्रोवाइड किए गए हैं, और उनको इसी तरीके से काम करने पर वो लोग मजबूर हैं। तो जब उनसे बात की, पहले उन्होंने हमसे बात करना ही नहीं चाही, और जब हमने जब उनकी सुरक्षा की दुहाई दी तो उन्होंने बताया कि कंपनी की तरफ से उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। जितना ये जो पल्ली मोड़ का अंडरपास जो बन रहा है, पिछले 2 साल से काम लगा हुआ, इसके साथ साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि सांबा में जो फ्लाईओवर का काम था, इतना लंबा फ्लाईओवर था वो, और 2 फ्लाईओवर, एक चिची माता के पास और एक वहां पे सांबा सिटी शहर के अंदर, और वो 1 साल के अंदर निर्माण कंपनी ने इतनी फास्ट काम किया, पर ये जो अंडरपाथ है, छोटा सा अंडरपाथ है, लेकिन यहाँ पर पिछले 2-3 साल से ये कंपनी लगी हुई है, लेकिन काम इनसे पूरा नहीं हो पा रहा।
कंपनी का कोई भी अधिकारी हमसे बात करने के लिए नहीं आ गया, नहीं आया। हमने बड़ी कोशिश की इनको फोन पे बात करने की, लेकिन रंजीव जिस तरह से कंपनी की लापरवाही जो है वो यहाँ पर दिख रही है, लेकिन क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा कदम यहाँ पर उठाया गया कि जो भी ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर अगर काम चल रहा है और इस तरह के हादसे वहां पर जो है पेश आ रहे हैं तो कुछ ऐसे नियम जो है वहां पर बनाए जाए, या फिर जो भी लोग वहां से जो वाहन चालक है जो ट्रैवल करते हैं उन पर जो है ऐसी सख्त नियम जो है वो वहां पर बनाए जाए ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियों को जो है कंट्रोल में रखकर ही जो है वहां से निकले। जितना जब भी कोई नेशनल हाईवे हो या कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो या हाईवे पर काम चल रहा हो भाई होगा, तो जो उनका टेंडर होता है उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि जो ट्रैफिक का है जो बाई लेन से आपने ट्रैफिक निकालना है उसको चारू रखना है, वो जो जितना भी रास्ता होता है उसके ऊपर बाकायदा तार पोल डाल के एक अलग से रास्ता बनाना होता है। लेकिन ये सारे नियम कानून कंपनी ने तरह के तरह रखे हैं, बड़े बड़े खड्डे वहां पे पड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस आए दिन वहां पे जाम खुलवाने के सिवा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे ही वहां पे गाड़ियां अंडरपास से निकलती हैं उसकी हाइट भी ऊपर से बहुत कम रखी है, कई गाड़ियां उसके अंदर कई बार फंस जाती है। हमने देखा जब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उस दौरान भी काफी वहां पे जाम एक दिन लगा रहा। और हादसे की बात करें तो यहाँ पर हादसों की वजह से कई गाड़ियां जो है वो इन्होंने कहीं पर भी उनको उनके लिए कोई कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगाया कि जहां से पता चले कि यहाँ पे स्लो चलानी है या यहाँ पे गाड़ी रोकनी है, यहाँ पे खड्डा है। लेकिन उसकी वजह से कई बार गाड़ियां जो है खड्डे में गिरी है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कई लोगों के हाथ पैर वहां पे टूट चुके हैं। और ये निर्माण कंपनी के लोग जो है ये काफी सुस्त रफ्तार से काम कर रहे हैं, स्थानीय लोग उनसे बड़े दुखी हैं। लोग जो जिनकी दुकानें हाईवे के किनारे थी, ये सिक्स लेन का काम जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो काफी तंग आ चुके हैं। जो साथ लगते घर हैं उन वहां पे लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि जो धूल मिट्टी है उसको टकने का कोई इंतजाम इस कंपनी की तरफ से नहीं किया गया। जब भी इनको कोई पूछता है तो ये इनके जो वहाँ पे जो लोग जो कार्य कर रहे हैं सीधा जवाब देने भी नहीं करते, और ऊपर से जो मिट्टी का काम जो है मिट्टी की भराई का काम भी इलीगल तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जो मिट्टी का काम है माइनिंग विभाग को से कोई परमिशन नहीं है और पता नहीं कहाँ से ये मिट्टी उठाकर ला रहे हैं। और इसके लिए भी कंपनी काफी नियमों को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करूँ तो अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान देने सामने नहीं आया। जी चलिए रंजीव बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो है आपने देखा कि जो कठुआ में एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है उसको लेकर किस तरह से लापरवाही जो है वो बरती जा रही है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नियम कानून जो है वो यहाँ पर नहीं जो है बनाया जा रहा ताकि ये जो हादसे हैं ये पेश ना यहाँ पर आ सके। और कंपनी जिस तरह से जो लापरवाही बरत रही है आखिर उनसे सवाल जो है कौन करेगा ये भी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि आम जनता के सवाल जो है वो जरूर यहाँ पर उठ रहे हैं कि काफी लंबा समय जो है वो हो चुका है यहाँ पर एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा था लेकिन अभी तक उसे पूरा जो है वो नहीं किया गया। डोडा में नियम कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये धज्जियां उड़ रही हैं डीसी ऑफिस के ठीक बाहर, जहां सड़क के दोनों ओर बने फुटपाथों पर लोग धड़ल्ले से अवैध पार्किंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राहगीरों की सुविधा के लिए बनाए गए इन फुटपाथों की शोभा दो पहिया वाहन और कारें बढ़ा रही हैं। आखिर स्थानीय प्रशासन क्यों आंखें मूंदे हुए हैं, ये यहाँ की जो जनता है ये लगातार जो है ये सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जो है आपको बता दें कि जहां पर डोडा का डीसी ऑफिस है उसके बाहर की तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, जहां पर राहगीरों के चलने के लिए जो फुटपाथ बनाए गए हैं वहां पर गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं। टू व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर की बात करें तो ये तमाम गाड़ियां जो है यहां पर पार्क होती हैं और लोगों को जो है समस्याओं से जूझना पड़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। वसीम, जिस तरह से तस्वीरों में हम देख रहे हैं डोडा का डीसी ऑफिस के बाहर जो बने हुए जो फुटपाथ हैं वहां पर जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बार बार हम देखते हैं डोडा टाउन की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जो है नियम बनाए जाते हैं, कड़ा रुख जो है उनकी तरफ से भी अपनाया जाता है जब भी कोई उल्लंघन जो है ट्रैफिक नियमों को लेकर जो है किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझने का नाम नहीं ले रहे और अब फुटपाथों पर चलने के बजाय वहां पर गाड़ियां जो है वो पार्क कर दी गई हैं। देखिए चेतना, मैं आपको बताना चाहूंगा ये वायलेशन आप देख रहे हैं किस तरह से देखने को मिल रही है, और बड़ी जानकारी इसमें यह है कि
जो आप गाड़ियां देख रहे हैं वहां पे अभी तक हमारे पास जो जानकारी आई है ये वही लोग लगाते हैं जो एम्प्लॉयज हैं, जो डीसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं या पीडीडी ऑफिस में काम करते हैं या तहसील ऑफिस में काम करते हैं, ये उन लोगों की गाड़ियां वहां पे लगती हैं, उनको पार्किंग उन्होंने लोगों ने वहां पे बनाई। और आप ये मान लीजिए कि जो कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर जारी किया गया था कि बस स्टैंड से लेके या आप भरत रोड की तरफ जाएं या आप डट्टागढ़ से लेके भरत रोड की तरफ जाएं, तो इस इलाके को जो है नो पार्किंग जोन जो है एरिया कर दिया गया था। इस एरिया में कोई भी गाड़ी नहीं लगा सकता है, पर आज की डेट में आप देख रहे हैं कि सारे आम जो है वायलेशन हो रही है। कुछ देर पहले जो है डीएसपी ट्रैफिक ने भी उस एरिया का पूरा मायना किया और देखा है जो भी इस तरह की वायलेशन करेगा उस पर बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आई है और ऐसे लोगों पे शिकंजा कसना चाहिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों को चलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, लोग काफी ज्यादा परेशान है, खास करके बुजुर्ग बच्चे, तो इसमें उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और लोग हम देख रहे हैं कि किस तरह से सारे आम वहां पे वायलेशन करते हैं और हर गाड़ी के पीछे हर बाइक के पीछे जो है डीएसपी ट्रैफिक या उनका महकमा नहीं रह सकता है, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा एरिया है, किश्तवाड़ भी वही संभालते हैं या मोटर व्हीकल महकमा जो भी अच्छा काम कर रहा है। पर लोगों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम कहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी किस तरह से कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां वहां पे पार्क की हैं, तो ये गलत है। इस चीज को कोई भी जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये गलत है। जो चीज गलत है उसको हम गलती दिखाएंगे, जो चीज सही होगी उसको हम सही दिखाएंगे। तो उन लोगों के लिए आगे के लिए ध्यान रखना होगा। तो और ये भी बताया गया कि डीएसपी ट्रैफिक की तरफ से कि आने वाले टाइम में उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल वसीम, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये जरूर कहा गया कि कार्रवाई होगी, लेकिन ई चलान का सिस्टम जिस तरह से शुरू हो चुका है तो क्यों जो है ये जो गाड़ियां यहाँ पर इलीगल तरीके से पार्क की जाती हैं उनका चलान जो है वो इस तरीके से काट लिया जाए, ताकि एक बार जब इन्हें सबक मिले तो उसके बाद ये इस तरह की गलती जो है वो एक बार फिर नहीं दोहराएंगे। देखिए मुझे लगता है कुछ गाड़ियों के ऊपर ई चलानिंग भी की गई है और उनको पूरे समझाने के पहले कुछ टाइम दिया गया, उनको भी पूरे समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आने वाले टाइम में इस तरह से आप वहां पे वायलेशन करेंगे तो आप पे शिकंजा कस सकता है, आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये चीज हम देख रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन या मोटर व्हीकल महकमा या ट्रैफिक विभाग किस तरह से काम करता है, उन लोगों पे किस तरह से कार्रवाई करता है। जी जी चलिए वसीम बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से डोडा की ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं और इसी पर जो है ज्यादा जानकारी दी हमारे संवाददाता वसीम ने, जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस जो है वो अब हरकत में आई है और जो भी जो अधिकारी हैं जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं वही लोग जो है यहाँ पर ज्यादातर ये पार्किंग जो है यहाँ पर कर जाते हैं, जिस वजह से लोगों को जो है काफी ज्यादा समस्याएं पेश आती हैं, लेकिन अब जल्द ही इन पर कार्रवाई जो है की जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि इस तरह से जो उल्लंघन किए जाते हैं वो उल्लंघन ना देखने को मिले। जम्मू कश्मीर प्रदेश में इस समय प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने को लेकर अपना पक्ष रखा है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच हरि प्रसाद ने बताया कि अर्बन लोकल बॉडीज के वेतन सहित अन्य खर्च करीब 850 करोड़ रुपए हैं, जबकि आमदनी मात्र 150 करोड़ के करीब है। इस भारी घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय घाटे को प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। एच हरि प्रसाद ने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और मध्यम वर्ग के लोगों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। जम्मू कश्मीर में 78 अर्बन लोकल बॉडीज है, 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जम्मू और श्रीनगर में। उनका जो म्यूनसिपल सर्विसेज देने के लिए उनको जैसे सैनिटेशन की सर्विसेज हैं, पार्क्स एंड गार्डन्स को इम्प्रूव करना है, रोड को इम्प्रूव करना है, जैसे और भी अन्य म्यूनसिपल सर्विसेज देने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उनको रेवेन्यू की ज़रूरत है। आज का दिन देखेंगे अब 2021-22 में हमारे जो सारे जम्मू एंड कश्मीर के अर्बन लोकल बॉडीज के जो सैलरी और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर 21-22 में 650 करोड़ रुपए रहे और करंट फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में 850 करोड़ के आसपास है। अगर हम आमदनी देखेंगे सारे हमारे लोकल बॉडीज के आमदनी 21-22 में 115 करोड़ रहे और इस साल में तकरीबन 120 या 25 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अगर हम देखने से यहाँ बहुत बड़ा रेवेन्यू का गैप है। हम तो हमें अगर अच्छे सर्विस लोगों को देने के लिए म्यूनसिपल फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स एकमात्र सोर्स है जो सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल लोकल बॉडीज को सोर्स ऑफ इनकम है। तो उस वजह से अगर हमारे म्यूनसिपल सर्विसेज को हमें स्ट्रेंथन करना है, म्यूनसिपल
अर्बन जो अर्बन लोकल बॉडीज को हमें स्ट्रेंथन करना है, उनको अटोनमस फाइनेंशियली अटोनमस करना और पावर्स को डेवोल्यूशन करना है, उनको एक स्ट्रॉन्ग अर्बन लोकल बॉडीज बना के फंक्शनल और करना है, तो हमें उनकी फाइनेंशियल्स को भी स्ट्रेंथन करना है। उसके द्वारा अगर हमें अच्छे म्युनिसिपल सर्विसेज को लोगों को उपलब्ध करना करने के लिए फाइनेंसिस की जरूरत है। सरकारी ग्रांट्स तो है मगर सरकारी ग्रांट पूरा जो घाटा है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपल बॉडीज को फाइनेंशियली स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और ऑपरेशनली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स को हमने नोटिफाई किया है। ये हमने ध्यान में रख के किया है कि ये पहली बार लग रहा है क्योंकि ये मॉडरेट हो, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और लोअर मिडिल क्लास इसमें एक्सक्लूड हो और उनके ऊपर हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है। हम बिल्कुल इसको कैंपेन मोड में, इसको आईएसी कैंपेन करेंगे, लोगों को पैम्पलेट्स के द्वारा और प्रेस नोट के द्वारा और बुकलेट के द्वारा कैसे कैलकुलेट करना ये सारा हम ऑनलाइन सारा उसको हम लोग डेवलप करके हम होस्ट करेंगे। उसके साथ ही हम प्रिंट मीडिया के द्वारा भी उसको हम पब्लिश करेंगे और पैम्पलेट्स और अन्य जो मटेरियल्स भी हम करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे उसके साथ ही, और स्टेक होल्डर्स के लिए अगर ज़रूरत पड़ने से हम लोग ट्रेनिंग सेशन कैंपेन जो अवेयरनेस कैंपेन है वो हम लोग जहां जहां जरूरत है वहां हम करेंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।